YouTube family, welcome. You have to call your all your friends to subscribe the channel. This is my heartfelt request. Please come and subscribe the channel. Thank you. Thank you, भैया. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो आज हम लोग जा रहे हैं शिवा की पहली आउटिंग के लिए. तो अभी आप देख सकते हैं शिवा जो है पूरी गहरी नींद में सो रहा है यहाँ पे. अभी इसको कोई होश नहीं है कि कहाँ पे क्या है, कुछ नहीं ध्यान है. ये आप देख सकते हैं शिवा एकदम गहरी नींद में है. इसको कुछ नहीं ध्यान कि हाँ भैया मेरी पहली आउटिंग है तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा. अभी जो शिवा है वो एक महीने का हो चुका है, तो एक महीने पे ही इसकी पहली आउटिंग है. हम लोग जा रहे हैं हरियाणा, जो कि है इसके छोटे भाई का जो फंक्शन होने वाला है, तो फिर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए हम लोग हरियाणा जा रहे हैं. ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सीन हमें यहाँ पे रास्ते में देखने को मिल रहे हैं. काफी अच्छे जो सीन्स हैं हमें रास्ते में देखते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें सिटी में रहते हुए नहीं देखने को मिलते हैं. और क्योंकि शिवा की पहली आउटिंग है तो फिर मेरे लिए भी ये एक महीने के लिए अंदर ही थी मैं, तो फिर मेरे लिए भी कुछ नया देखने को मिल रहा है मुझे बाहर का. देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है हमें यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है. हरा हरा सा सब कुछ हो रहा है यहाँ पे. ये आप देख सकते हैं जंगल टाइप हमें यहाँ पे कुछ सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पे जो है बंदरों को खाना भी डाला जाता है, ये आप देख सकते हैं. और आप देख सकते हैं शिवा जो है एपिडिलो का फैन हो चुका है, वो सिर्फ उन्हीं के ये गाने सुन रहा है. और आप देखिए कितने शांति से ये सो भी रहा है यहाँ पे. पता नहीं इसके कौन से दिल टूट चुके हैं अभी पहले ही. शिवा कौन से दिल टूट गए बच्चा आपके तो मिलते हैं थोड़ी देर में फिर आप लोगों से. ये आप देखिए काफी जो है हरियाली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि हमें सिटी में नहीं देखने को मिलती है, जिससे हमारा जो मन है वो भी शांत होता है. देखिए कितनी जो है हमें हरी भरी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है. ये आप देख सकते हैं शिवा के नाम से यहाँ पे ढाबा भी खुल चुका है, जिसके मामा का यादव ही हैं, जो कि सीरियसली मामा यादव ही हैं इसके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा हरियाली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है हमारा, जो कि हमारा शायद फर्स्ट और लास्ट होने वाला है, उसके बाद हम डायरेक्ट पहुंचेंगे घर पे. तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी जो है हमें हरियाली देखने को मिल रही है. ये चीज जो है वो हमें नॉर्मल सिटी में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जिसे देख के हमें काफी शांति मिलती है. और अब एक महीने के बाद क्योंकि मैं घर के बाहर निकल रही हूँ, तो फिर काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है हमें. ये देख सकते हैं आप, शिवा को भी काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है यहाँ पे. शिवा की बात करें तो शिवा जो है वो पूरी नींद में है अभी, तो उससे थोड़ी देर में मिलवाते हैं जब वो उठता है तब. काफी अच्छा व्यू जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. आप देख सकते हैं दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है. ये जो चीजें हैं ये हमें सिटी में नहीं देखने को मिलती हैं. ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा जो सीन है, इसे देख के काफी मन को शांति भी मिलती है. देखिए काफी कम व्यूज ही ऐसे देखने को मिलते हैं हमें. फिलहाल ये सरसों आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयार है कटने के लिए. ये फूल झाड़ दिए इसने, इसका मतलब पकने वाली है. फूल अभी गिर चुके हैं, अभी एक महीना बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी. ये आप देख सकते हैं ये सारे
घर वाले ही यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे साथ। ये पापा जी हैं, ये माँ भी हैं, और ये आप देख सकते हैं शिवा के पापा बीच कार चला रहे हैं यहाँ पे। ये है हरियाणा का नजारा, हरियाणा वाले खाट देसी खाट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डे टू। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सर्दी हो रही है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ एक बार। उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ जो कि हमें सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है। देखिए गाइस, कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इस वजह से मैं आप जो व्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, और फिर थक के सो गए थे। शिवा भी काफ़ी परेशान हो गया था, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि अब जो है मैं सुबह ही कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। तो फिर आप देख सकते हैं सुबह कितनी अच्छी हुई है गाँव की। ये चीज़ जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला, कभी हमें जो है शहर में नहीं देखने को मिलती है, स्पेशली सिटीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। जयपुर हो गया, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। बट कोई बात नहीं, इसीलिए तो गांव बने हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों के पास भी गांव होंगे, आप लोग भी वहाँ पे जाते होंगे मिलने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, परिवार वालों से मिलने के लिए। ज़रूर जाना चाहिए गाँव तो, क्योंकि वो क्या है ना, हमें ब्रेक चाहिए होता है अपने नॉर्मल लाइफ से। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जैसे कि घर वालों से मिलते हैं हम, नए नए मेंबर से मिलते हैं कि कौन है नया, कौन आया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें उनसे भी सीखने को मिलती हैं, छोटों से सीखने को मिलती है, बड़ों से सीखने को मिलती है। तो ठीक है, तो अभी हम चलते हैं घर के अंदर, क्योंकि अभी बहुत सर्दी हो रही है। मुझे सर्दी लगेगी तो शिवा को भी सर्दी लगेगी, तो मैं भी अंदर चलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं हरियाणा की रेवड़ यहाँ से जा रही है पास से ही। ये गौशाला की गाय हैं यहाँ पे, गायों के बछड़े बछड़े हैं ये, बछिया बछड़े, छोटे बच्चे हैं बस। देखिए कितने क्यूट क्यूट है सारे, छोटे छोटे से। अरखा ने पूरते खाते डुलते रहिंदे बदलां दे टूरते, रहिंदे बदलां दे टूरते खाते डुलते, ना कीती कदे छोड़ आया गांव विच चोर है ना कोई तोड़ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी हमें गाय भी दिख रही हैं, लंबे लंबे सिंगों के साथ। अगर ये किसी के भी लग गई ना बीचे तो फिर वो बेचारा इंसान चला ही गया। सब दूध वाली गाय हैं ये, देखो आगे ये देख लीजिए, ये सारी गौशाला वाली की गाय है। शिवा से आपको बाद में मिलवाऊंगी, तो आप यहाँ पे मिल सकते हैं शिवा से। यहाँ पे ये यह अभी सो ही रहा है जनाब, नहाके अभी सोया ही है जस्ट। उठता है तो फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो है प्रोग्राम की पूरी तैयारी हो चुकी है, आधा प्रोग्राम हो चुका है, आधा भी बाकी है। तो अभी जो है हम आप जो है कुछ लोगों को मिलवाने वाले हैं जो कि आज नए वीडियो में जुड़ेंगे हमारे साथ। देख सकते हैं ये हमारे मामा जी के दो लड़के हैं, और ये बैठे हैं शिवा के पापा जिनका नाम है पंकज। जिनका नाम पंकज। भैया हेलो तो बोल दो कम से कम हमारी ऑडियंस को। YouTube फैमिली वेलकम, यू हैव टू कॉल योर ऑल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज माय heartfelt request, please come and subscribe the channel. Thank you. Thank you भैया। क्या वो है हमारा भतीजा शिवा, शिवा नाम है ना? हाँ शिवा नाम। बनने के लिए आज मेरे पास मिला तो सही कैमरा।
तो हमारी सिस्टर के एक छोटा शिवा हुआ है, हम उस प्रोग्राम में हम सब यहाँ पहुँचे हैं। ये मेरा भाई, इनको दिखाओ जरा आप एक बार। मैं पहले भी आ चुका हूँ, मेरे छोटे भाई अंदर बैठे हैं। अभी आप जैसा देख रहे हो, ये देखो बस प्रशांत मासा कर सारा सारा वहां तो देखो नजर आ रहा है आपको, वो देखिए आप, वो कौन सा भाई? पाकिस्तान, यूक्रेन का बॉर्डर है। आप वो अफगानिस्तान से आते हुए लोग, वो माता जी दिखाई दे रही है आपको, माता जी दिखाई दे रही है आपको, और वहां से यूक्रेन से आ रहे हैं। इधर प्रशांत मासा कर नजर में वो देखो आप, उधर दिखा दे रहे हैं इनका कार्य बतख पालन का है। बतख पालन का है। आप यूक्रेन से आई हैं, ये भाभी यूक्रेन से आए हैं। एक सिटी बार के सारे बतखों को इकट्ठा कर सकती हैं। खास बात ये आपके लिए, ये आपको, आप जरा उधर दिखाओ, थोड़ा साइड में दिखाओ उनको, उधर लोगों से इनको भी लीजिए डोगरा रेजिमेंट से। ये रशिया से आई है, डोगरा रेजिमेंट में होती है, इनको लगती है। भाई साहब को दिखाओ, आप नजर आओ उधर देखिए, आप जा सकते हैं, आप यूरोप में भाई इनको देखिए। ये मामी हमारी हरियाणा पुलिस में एएसआई पोस्ट पे कार्यरत, तो दो सब दो है फिर, तो कहां दो सब बेस्ट हो जाएगी, दो सब कर कभी दो सब दो मामी जी, दो सब जय हिंद जय हिंद जय हिंद।